नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और हमारे जैसे गार्डन के फ्लावर मुस्कुराते रहते हैं, वैसे आप लोग भी मुस्कुराते होंगे और घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फ्रेंड्स, मैं विंटर फ्लावर्स गजानिया का प्लांट लेकर आई हूँ, जो कि ये विंटर फ्लावर्स हैं। तो सर्दियों में इनकी फ्लावरिंग होती है, लेकिन फिर भी इस समय हो रही है, आप देख सकते हो। क्या होता है, जब इनकी विंटर में फ्लावरिंग होती है तो इनके फ्लावर्स थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं इनके फ्लावर छोटे हो जाते हैं। तो मेरे एक व्यूवर्स ने बोला कि वानी जी, आपके जो गजानिया के फ्लावर हैं अभी तो ऐसे ही हैं और मेरे जो हैं छोटे होंगे। तो ये होता है ना कि कुछ गजानिया की वैरायटी होती हैं जो कि सर्दी में भी चलती है और गर्मियों में भी चलती है। तो मेरा ये जो है गर्मी वाला भी है, मतलब दोनों सीजन में चल जा रहा है, आप देख ही सकते हैं अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बस ये होता है कि जो विंटर फ्लावर्स होते हैं गर्मियों में फ्लावरिंग कम करते हैं और उनके जो फ्लावर्स होते हैं छोटे हो जाते हैं। और बाकी तो सर्दी में इनके फ्लावरिंग खूब अच्छे से होती है, फ्लावर भी बड़े आते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो क्या होता है, गर्मी में ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है कहीं का हाई होता है, तो मेरे यहाँ का भी है बट ज़्यादा नहीं है। तो जो सर्दी के प्लांट होते हैं उनको बचाना भी चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, जो विंटर फ्लावर्स हैं या विंटर प्लांट्स हैं, तो उनको मैं छांव में रख देती हूँ, जो कि जहाँ तक कि वो सुबह की धूप आए या शाम की धूप लगे इसी जगह पे रख देना चाहिए, ताकि आपका जो पौधा है बचा रहे। क्योंकि जो सर्दी में टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा कहीं यदि गर्मियों में होता है, तो हमारे जो सर्दियों के प्लांट होते हैं वो टेम्परेचर जो झेल नहीं पाते हैं, तो पौधे अक्सर मर से जाते हैं। जैसे हुआ कैलेंडुला का हुआ, गजानिया का है, पिटूनिया, ये सब अब विंटर फ्लावर्स में आते हैं, लेकिन रहते हैं पूरे साल, बस फ्लावरिंग कम होती है। आप लोग को मैंने हर वीडियो शेयर करी हुई है, आप जाकर देख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी ये जो प्लांट होते हैं इनको आप छोटे से पॉट में या छोटे से गमले में किसी में भी लगाओगे तो ये अच्छे से लग जाता है, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं छोटे होते हैं, ज़्यादा फैलते नहीं हैं। और इनको आप चाहे कोई आपका प्लास्टिक का बॉटल हो या डिब्बा बास्केट हो उसमें लगा देंगे तो अच्छे से लग जाता है। इनके लगाने का टाइम जो होता है फिलहाल जो होता है सीड से ग्रो किया जाता है, पौधे से भी लग जाता है। जैसे मैंने बचाया हुआ है पौधा, तो इसमें एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाते हैं, तो आप जगह जगह इन पौधों को लगा सकते हैं, पौधे तैयार हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनके कई कलर और क्या कहते हैं वैरायटी भी होती है गजानिया के, सिंगल पैटर्न होते हैं, डबल भी होते हैं। तो ये फिलहाल सिंगल पैटर्न का है, वो शुक्र करो कि मेरे यहाँ बचा हुआ है, नहीं तो गर्मियों में सारे प्लांट ख़राब ही हो जाते हैं विंटर वाले। लेकिन मेरे यहाँ पे जो फ्लावर है भी बचे हुए हैं, एक दांथस से वो भी बचा हुआ है जो विंटर फ्लावर से, वो तो फिलहाल साल भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन ठंडियों में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं ये सब प्लांट जो होते हैं। और फ्रेंड्स, इनको आप पानी ये दोनों टाइम देते रहें, क्योंकि क्या होता है धूप तेज होती है और जो टेम्परेचर का वातावरण भी गर्म होता है, तो उनकी जो मिट्टी होती है सूखी रहती है, तो आप इसमें नमी हमेशा बनाए रखें। मिट्टी भी जो हो बेलड्रेनी होनी चाहिए। और इनको फर्टिलाइजर भी आप लोग जिसे अदर्स प्लांट को देते हैं इस प्लांट को भी देते रहें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि फ्लावरिंग आते हैं तो फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत होती है, ताकि इनकी ग्रोथ बनी रहे, फ्लावरिंग भी होती रहे। बस इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके जो विंटर फ्लावर्स हैं बचे रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो गजानिया का प्लांट है, जैसे सन फ्लावर होता है वैसे ये भी होते हैं, जब सूरज निकलता है तभी इनकी फ्लावरिंग होती है, और जब इनके जब सूरज डूब जाता है तभी ये इनका जो जो पंखुड़ियाँ होती हैं आपस में सिमट जाती हैं, फिर दूसरे दिन जब फ्लावरिंग होती है सूरज निकलता है तो फूल खिल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जैसे सन फ्लावर होते हैं ऐसे गजानिया का प्लांट होता है। इनके जो लाइफ लाइन होती है फ्लावर की 2 या 3 दिन तक होती है, बाकी तो नए बर्ड्स आते रहते हैं इसमें, एक साथ में खिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिलहाल तो 1-2 करके ऐसे ही खिल रहे हैं, मैंने बताया कि ये विंटर फ्लावर्स है तो इसलिए ये 1-2 करके ही खिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।